हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कोल्ड क्रीम कैसे बनाया जाता है और इस कोल्ड क्रीम में मिलाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स के यूज के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कोल्ड क्रीम है क्या। कोल्ड क्रीम बेसिकली इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल होता है। कोल्ड क्रीम को हम कोल्ड क्रीम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसको स्किन पे अप्लाई करते हैं तो हमारे स्किन पे ये कूलिंग सेंसेशन फील होता है। कोल्ड क्रीम को हम स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ करते हैं और स्पेशली विंटर के टाइम पे हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, ड्राई होने से बचाता है उसकी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कोल्ड क्रीम में मिलाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ये सबसे पहला इंग्रेडिएंट है बीज वैक्स। बीज वैक्स को हमने यहाँ पे 3.2 ग्राम वे कर लिया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बोरेक्स। बोरेक्स को हमने यहाँ पे 0.16 ग्राम वे कर लिया है। हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को 20 ग्राम कोल्ड क्रीम के अकॉर्डिंग वे किए हैं। नेक्स्ट है मिथाइल पैराबेन, इसको हमने 0.02 ग्राम वे किया है एज अ प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट लिक्विड है परफ्यूम। परफ्यूम हमने यहाँ पे लिया है रोज ऑयल और इसको हमको सफिशियंट क्वांटिटी ऐड करना है कोल्ड क्रीम बनाते टाइम। नेक्स्ट लिया है हमने लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन की जगह पे आप एलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स सॉलिड्स एंड लिक्विड को हमने 20 ग्राम कोल्ड क्रीम बनाने के लिए बे किया है। तो आइए शुरू करते हैं कोल्ड क्रीम बनाना। सबसे पहले बीज वैक्स, जिसको हमने 3.2 ग्राम पहले से वे कर लिया है, इसको हम एक क्लीन चाइना डिश में ट्रांसफर करते हैं। बीज वैक्स को हमने यहाँ पे बेस यूज किया है और यहाँ पे स्टिफनिंग एजेंट का काम करता है। स्टिफनिंग एजेंट मतलब कोल्ड क्रीम की विस्कोसिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा बीज वैक्स छोटे मोटे घाव और इंजरीज को भी हील करता है और ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का। और बीज वैक्स बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट्स होता है बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का, जैसे कि स्किन मॉइस्चराइजर, बॉडी क्रीम्स और इसको लिप बाम, लिपस्टिक और लिप ग्लोस, आई शेडो में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लिक्विड पैराफिन। ये लिक्विड पैराफिन हमने 10 ग्राम पहले से वे कर लिया है। अब हम इसको चाइना डिश में ट्रांसफर करते हैं जिसमें कि हमने बीज वैक्स लिया था। ये लिक्विड पैराफिन एक मिनरल ऑयल होता है और स्किन केयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्किन के मॉइस्चर को बनाए रखना। तो ये लिक्विड पैराफिन एक बैरियर की तरह काम करता है स्किन पर और जिसकी वजह से स्किन से मॉइस्चर लॉस नहीं होता और स्किन का मॉइस्चर बना रहता है। अब नेक्स्ट स्टेप है इस बीज वैक्स और ये लिक्विड पैराफिन मिक्सचर को हीट करना है। इसके लिए हमने इसको वाटर बाथ में रख दिया है और जैसे ही ये मिक्सचर हीट होगा बीज वैक्स मेल्ट होते जाएगा और मेल्ट होते के साथ साथ ये लिक्विड पैराफिन के साथ मिसेसिबल होते जाएगा। आप देख सकते हैं बीज वैक्स मेल्ट होना शुरू हो गया है और ये लिक्विड पैराफिन के साथ घुलना शुरू हो गया है। आप इसको ग्लास रॉड की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि लिक्विड पैराफिन और बीज वैक्स अच्छे से मिल जाए। और ग्लास रॉड से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो बीज वैक्स पूरा मेल्ट हो चुका है और लिक्विड पैराफिन के साथ अच्छे से मिसिसिबल हो गया है। अब हम इसको वाटर बाथ से रिमूव कर लेंगे और एक साइड रख देंगे। बाकी इंग्रेडिएंट्स को इस चाइना डिश में डालते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि चाइना डिश का कंटेंट गर्म ही रहे और इसके कंटेंट लिक्विड फॉर्म में ही रहे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप जिसमें हमको बोरेक्स का सॉल्यूशन बनाना होगा। बोरेक्स का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने यहाँ पे बोरेक्स लिया है 0.16 ग्राम और उसको हम एक बीकर में ट्रांसफर कर देते हैं जिसमें हमने पहले से ही 6 ml वाटर ले लिया है। अब उसको ग्लास रॉड की मदद से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं बोरेक्स डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो हम इस कंटेंट को वाटर बाथ में हीट करेंगे। आप देख सकते हैं बोरेक्स पूरा डिजॉल्व हो गया है। अब इस बोरिक एसिड सॉल्यूशन को हमको ड्रॉपर की मदद से ड्रॉप बाय ड्रॉप चाइना डिश में ऐड करते जाना है जिसमें लिक्विड पैराफिन और बीज वैक्स को लिया था हमने, और ग्लास रॉड की मदद से कंटिन्यूसली स्टीर करते जाना है। ये बोरेक्स बेसिकली सॉल्ट ऑफ बोरिक एसिड होता है और ये बोरिक एसिड रिएक्ट करता है बीज वैक्स के फ्री एसिड के साथ और इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। इमल्सिफाइंग एजेंट ऐसा केमिकल होता है जो वाटर और ऑयल को मिसेसिबल बनाता है। बोरेक्स यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ को भी प्रिवेंट करता है और हमारे प्रिपरेशन के पीएच को भी मेंटेन करके रखता है। तो आइए नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमको मिथाइल पैराबेन ऐड करना है। मिथाइल पैराबेन हमने यहाँ पे 0.2 ग्राम वे कर लिया है। अब हम इसको चाइना डिश के कंटेंट में ट्रांसफर करते हैं और इसके बाद ग्लास रॉड की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है। हमको ये प्रोसेस जब तक करना है जब तक कि मिथाइल पैराबेन के पार्टिकल्स पूरे सॉल्युबलाइज ना हो जाए। हमने यहाँ पे मिथाइल पैराबेन जो लिया है वो यहाँ पे प्रिजर्वेटिव का काम करता है जो हमारे प्रिपरेशन में हार्मफुल बैक्टीरिया और मोल्ड के ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा। अब हम एक दो ड्रॉप परफ्यूम का डालते हैं। यहाँ पे हमने परफ्यूम लिया है रोज ऑयल और ग्लास रॉड की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे।
जैसे जैसे चाइना डिश का कंटेंट ठंडा होते जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होते जाएगी और वो विस्कस होते जाएगा और फाइनली सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा ये कोल्ड क्रीम रेडी है। इस कोल्ड क्रीम को हम स्किन मॉइस्चराइजिंग के अलावा स्किन को स्मूथ करने के लिए, स्किन को क्लीन करने के लिए, जैसे मेकअप रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और स्किन को सॉफ्ट भी बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।